कॉलन, जिसको एक्सप्लेनेटरी साइन कहते हैं। ये एक्सप्लेनेटरी साइन चार कॉन्टेक्स्ट में लगाया जाता है, टू एक्सप्लेन समथिंग, टू डिफाइन समथिंग, टू कोट समथिंग, टू एग्जाम्पल समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग। अगर मैं कहता हूं कि आई एम कमिंग फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, तो आप पूछते हैं कि व्हाट यू बॉट। मैं कहता हूं आई बॉट स्टेशनरी, तो आप डिटेल मालूम करना चाहते हैं। मैं कहता हूं आई बॉट स्टेशनरी कॉलन पेन कोमा पेंसिल एंड इरेजर, ये मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं टू डिफाइन समथिंग, मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स के बाद जब मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं तो इकोनॉमिक्स कॉलन अंडरस्कोर, और उसको मैं जब डिफाइन कर रहा हूं तो इकोनॉमिक्स टू डिफाइन समथिंग। फिर हम कहते हैं टू कोट समथिंग, जैसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कोट्स ना लगाएं, आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप चीजों को कहें कि आप वहां पे कॉलन यूज करें। जैसे हम कहते हैं शेक्सपियर क्लेम्स, शेक्सपियर क्लेम्स कॉलन नथिंग इज गुड और बैड, और थिंकिंग मेक्स इट सो। या फिर टू एग्जाम्पल समथिंग, एग्जाम्पल समथिंग के अंदर अगेन मैं ये चीज को हाईलाइट कर रहा हूं कि एग्जाम्पल समथिंग, मैं कहता हूं पेन पेंसिल एंड इरेजर, मैं उसी बात को कह रहा हूं, बॉय गर्ल ओल्ड एंड यंग, ये सारी बात जो है इसको मैं एग्जाम्पल देते हुए रिलेट करूंगा, लेकिन मैं इसको एग्जाम्पल से पहले लगा सकता हूं। तो हम ये कह रहे हैं कि कॉलन जो है वो फोर कॉन्टेक्स्ट में लगाए जाते हैं, इसको एक्सप्लेनेटरी साइन कहते हैं। और कॉलन कहां लगाया जाता है कि जब हम चीज को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, जब कोट करते हैं, और जब एग्जाम्पल रिलेट करते हैं, तो वहां पर लगाया जाता है।